जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु मां रुक्मिणी फिर से हाजिर है आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के, आपको बताने के लिए कि इस सप्ताह में आपके साथ क्या होने वाला है। 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ये लागू होगा, तो जानते हैं क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों का सावधानियां रखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल आपने अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जो राशि है उसके हिसाब से देखना है। वो नहीं मालूम है तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपको और भी मैसेजेस चाहिए तो आप एक से ज्यादा भी वीडियो देख सकते हैं, यानी कि आप अपनी लगन के हिसाब से और अपनी राशि के हिसाब से दोनों ही देखेंगे तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। अभी कल ही हमारी टीम बता रही थी कि गुरुमा काफी सारे मैसेजेस हैं जहां वो कहते हैं कि 98% हमसे मैच करता है, 99% मैच करता है। तो अरे भैया, 2% 1% तो किसी और के लिए भी छोड़ दो, उनके लिए भी कोई ना कोई मैसेज इसी राशिफल में है। तो जो आपसे आपकी लाइफ पे मेल खा रहा है उसको रखिए, जो नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। दशम राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे आप कुछ स्पेशल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ना कुछ लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, खास करके आपके जो चाहने वाले हैं या आपके जो बहुत ज्यादा वेल विशर्स हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में प्रेरित कर रहे हैं या आपको कुछ ऐसा करने को कह रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। आपके मन से बिल्कुल भी उसके लिए आवाज नहीं आ रही है और आप अपने ही राउट पे जा रहे हैं, अपनी ही दिशा में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो वेल विशर्स हैं या आपके जो फैमिली वाले हैं, वो थोड़ा सा मुंह बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आपसे कॉर्नर कर सकते हैं, आपसे बात नहीं करें या आपको अवॉइड कर लें, आपसे मुंह चिढ़ा लें, मुंह फुला लें, ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप अपने धुन के पक्के हैं, आपको पता है कि ये चीज करने से फायदा होगा, तो अपने मन की आवाज आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वही कीजिएगा। दूसरों की बातों में इस हफ्ते में बिल्कुल भी मत आइएगा, वरना आपको नुकसान होगा। जॉब प्लेस की बात करें तो कुछ लोगों को उनके जॉब, ड्रीम जॉब जो है वहां से लेटर रिसीव हो सकता है ज्वाइनिंग का, या आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्रीम जॉब की तरफ, या आपको लग से पता चल सकता है कि कोई वैकेंसी निकली है आपकी ड्रीम जॉब पे, या फिर आप ही की जॉब में आपका प्रमोशन का जो ऑफर है वो निकल सकता है, या प्रमोशन लेटर भी काफी लोगों को मिलता दिखाई दे रहा है। मतलब जॉब में जो है वो काफी बेटर हो रहा है आपके लिए। जॉब में मतलब बहुत समय से जैसे सेटिस्फैक्शन जो नहीं मिल रहा था वो इस हफ्ते में आपको मिलेगा। जो करना चाह रहे थे अब तक, आपको लग रहा था कि वो चीज नहीं कर पा रहे जो करना है, तो वो चीज आप कर पाएंगे। फाइनेंशियली भी कुछ इंक्रीमेंट होता हुआ मुझे काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो यह हफ्ता जॉब के लिए तो काफी अच्छा है। कोई नया इंटरव्यू भी देना चाह रहे हैं तो आपका अच्छा ही गुजरेगा। बात करते हैं अगर हम बिजनेस के पर्पज की, कुछ लोग जो है अपना इंटीरियर जो है वो चेंज कर सकते हैं, बिजनेस में अपने शॉप रेनोवेट कर सकते हैं या शॉप शिफ्ट कर सकते हैं, या अपना शोरूम कोई नया खोल सकते हैं, या कोई ऑनलाइन भी आप नई चीज, नया पेज या नया कोई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपने शॉप के बारे में, अपने गुड्स या सर्विस के बारे में लोगों को बताएंगे। कुछ लोग स्पेसिफिक लोग हैं, अपने नए विजिटिंग कार्ड भी छपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टाइम में डीले हो रहा है। अगर आप बिजनेस कुछ कर रहे हैं या बिजनेस में कुछ चेंज लाना चाह रहे, थोड़ा सा डीले होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो डीले जो है उसको आपको देखने की जरूरत है कि ये डीले क्यों हो रहा है, कैसे उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट मुझे कुछ लोग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम में स्टार्ट हो जाना चाहिए, पैसा आ जाना चाहिए, पैसा कमाना शुरू कर लेना चाहिए, लेकिन अभी आपका सेटअप नहीं हो पा रहा है, काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, तो वो आप उसको ध्यान दीजिए। हमारा राशिफल यूट्यूब के अन्य राशिफल की तरह नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। चलो ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। गुरु माँ, मेरा राशिफल 100% मैच होता है, आपकी बातें कुछ ना कुछ लाइफ से जुड़ी हुई होती है। गुरु माँ, आपकी बातें सच हुई। गुरु माँ प्रणाम, आप बिल्कुल सही बताते हैं। गुरु माँ प्रणाम, राशिफल 100% सत्य होता है, 100% सही बता रहे हैं गुरु माँ आप। गुरु माँ, 90% बातें आज दिख रहा है, 100% सच होती है जो गुरु माँ कहती है। गुरु माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो राशिफल में बताया था वही हुआ मेरे साथ।
गुरुमा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जो आप बोलते हैं। बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में जो है इस समय में काफी अच्छे आप महसूस करेंगे। आपके पार्टनर चाहे कैसे भी बिहेव करें, लेकिन आप अंदर से बहुत खुश होते दिखाई दे रहे हैं, चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव अपनी रिलेशनशिप को लेके हो रहे हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैड हैबिट थी आपकी, वो बैड हैबिट भी आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब शायद बहुत ज्यादा आपको अपने पार्टनर को ताने देने की आदत थी, या बहुत जल्दी रिएक्ट करने की आदत थी, वो छूट रही है इस हफ्ते, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो। ये पार्टनर कुछ भी करे, हम बड़े शांत हैं और हम सब कुछ संभाल सकते हैं। एक मेच्योरिटी वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। इमोशनली भी काफी लोग जो है वो मेच्योर होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने पार्टनर के मदर से इस समय बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिश्ते को लेकर के काफी पॉजिटिवनेस जो है वो फील होगा। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आपके फैमिली में किसी ने कर्जा ले रखा है, या आपने ले रखा है, जो कि आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपको काफी टेंशन है या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आप अपनी फैमिली से, फैमिली वालों से फाइनली कहेंगे और उनसे हेल्प मांगेंगे और उनसे कुछ पैसा उधार ले सकते हैं। वो वहां ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि आप मतलब हेल्प ले रहे हैं अपने घर वालों से, और वो आपको कर भी रहे हैं डेफिनेटली। तो अगर ऐसा भी कोई भी प्रेशर है, आपको उनसे बोल देना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा माहौल गंभीर सा ही दिख रहा है फैमिली का, वो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं सिंगल्स की। सिंगल्स को कोई नया रिश्ता आ सकता है, या आप किसी के साथ डेट पे जा सकते हैं, या कोई नया आपको पार्टनर मिल सकता है और काफी अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हाँ एक एक्साइटमेंट का टाइम आपके लिए हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से मिलना, उसके नए व्यूज को सुनना, उससे बातें करना, उसके साथ समय बिताना, वो थोड़े समय के लिए ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। बात करते हैं हम आपके बच्चों की। जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे इस समय आपसे कोई नई ड्रेस मांग सकते हैं, या अपने सजने संवरने के लिए, अपने फैशन के लिए, अपने ग्रूमिंग के लिए वो कुछ कपड़े मांग सकते हैं, कुछ फैशन के आइटम्स मांग सकते हैं। क्लिप्स वगैरह आप उनको दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो या नए शूज कुछ लोग लेते हुए, या कैप वगैरह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी बच्चों पे इस समय में खर्चा हो सकता है। बात करते हैं एजुकेशन की। तो इस समय में आप काफी अपने जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, या फिर अपने जो पढ़ाई के जो मित्र हैं, उनके साथ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको किसी तरीके की गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके कुछ जूनियर्स जो हैं, या जो आप ही की तरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके पास आए गाइडेंस के लिए। तो आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेच्योरली उनको कुछ गाइडेंस देते हुए कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अपने फेलो स्टूडेंट्स को या अपने जूनियर। आप सभी का ये हफ्ता बहुत सुखद जाए, भगवान जी आप पर कृपा करते रहे, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।